ओके, आज है हमारा वेक्टर्स का, वेक्टर्स क्लास 11th लेक्चर 2, लेक्चर 2। मैंने पिछली क्लास में बोला था कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स करने के कितने तरीके होते हैं, हाउ मेनी वेज ऑफ एडिंग अ वेक्टर। थ्री सर थ्री वेज होते हैं। एक होता है ट्राइंगल लॉ, एक होता है ट्राइंगल लॉ, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ, और एक होता है मेथड ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स एक होता है मेथड ऑफ, लिखते जाओ, दोबारा लिख लो, जितनी बार मैं लिखूंगा तुम्हें लिखना पड़ेगा। मेथड ऑफ कंपोनेंट्स, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड मेथड ऑफ कंपोनेंट्स। अब इसके अंदर ही दोबारा कराऊंगा ट्राइंगल लॉ, ठीक है, दोबारा कराऊंगा ट्राइंगल। कुछ को करा दिया था, कुछ को नहीं हो पाया था। ये तीन मेथड हैं, ये दो स्कूल वाले करवाते हैं और ये तीसरे वाले को इग्नोर करते हैं। समझ में आई बात? ये मैंने बताया था कि ये दो स्कूल वाले करवाते हैं और तीसरे वाले को इग्नोर करते हैं। मैं तीनों करवाऊंगा, पहले वाला और दूसरे वाला जो असली में क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के, उनमें यूज नहीं करूंगा। मोस्टली कौन सा यूज करूंगा गाइस? थर्ड वाला मेथड यूज करूंगा, मेथड ऑफ कंपोनेंट्स यूज करूंगा। फर्स्ट एंड सेकंड मेथड यूज नहीं करा जाएगा। आगे बढ़े, ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है? ट्राइंगल लॉ कहता है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी वेक्टर, कैसे रिजल्टेंट निकालना होता है? मूव सेकंड सो दैट टेल ऑफ सेकंड इज ऑन हेड ऑफ फर्स्ट। किस किस को ये चमका? अगर मुझे रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, चलेगा? तो हमने कहा यस पहले वाले को बोल दिया फर्स्ट और इसको बोल दिया सेकंड। दोबारा डायग्राम बनाना, जिसने लिखा है ऑब्वियसली लिखा है। यार मैंने तो 450 बार पढ़ाया है ये चीज, मैंने तो पता नहीं कितनी बार लिखा है, तो मतलब। लेकिन मैं भी दोबारा बना रहा हूं ना कि ए बनाया, ए के सर पे बी का टेल रख दो, ए के सर पे बी का टेल रख दो, चलेगा? और फिर सेकंड स्टेप में ड्रॉ करो फर्स्ट के टेल से, फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड पे, सेकंड के हेड पे। कुछ कुछ चमका या नहीं चमका? ड्रॉ फर्स्ट के टेल से, फर्स्ट के टेल से ये वाला हो गया सेकंड के हेड पे। दिस वेक्टर इज डिफाइंड एज रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहां तक का समझ में आ गया गाइस? यस सर इसको अगर मैं जूम आउट करूं और अब मैं ये कहूं कि मुझे बनाने का मन है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, मुझे बनाने का मन है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, तो पहले कौन सा वेक्टर बनाऊंगा मैं? पहले बनाऊंगा बी वेक्टर, ये फर्स्ट हो गया। और सेकंड बी के हेड पे ए का टेल रखूंगा, बी के हेड पे ए का टेल रखूंगा, ऐसे बना दूंगा। और फिर पहले के टेल से दूसरे के हेड पे वेक्टर बनाऊंगा, पहले के टेल से दूसरे के हेड पे वेक्टर बनाऊंगा। दिस वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर्स, दिस विल बी बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। किस किस को दिखाई दे रहा है कि दोनों ही केस में ये आर वेक्टर सेम है? दिख रहा है? दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। Got it or not? इसका मतलब ये वाला वेक्टर दोनों केस में सेम है। आया ना और बोले बिल बेटा? म्यूट कर लो। Who is it? आदिस्ता, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ओके, थैंक यू। हाँ, अब समझ में आ गया। तो क्या चीज दिखा दी हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को सेम सा देख के? हमने कह दिया ए प्लस बी वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर इज सेम एज बी प्लस ए वेक्टर। इसका मतलब वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन
एज कॉम्यूटेटिव. किस किस को ये समझ में आया है? यस सर, समझ में. पक्का? यस सर, आ गया. यस यस सर. गुड, लिख लिया सबने? जी सर. यस सर. हाँ गाइस, मैं ये कह रहा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. टॉपिक इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इसमें पहला स्टेप है जॉइंट टेल्स ऑफ बोथ वेक्टर्स एंड मार्केट ओरिजिन. सेकेंड स्टेप, गाइस करके देखें क्या बोल दिया मैंने, ये जॉइंट स्टेप टेल्स ऑफ बोथ वेक्टर्स, ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया. बोलो हाँ, किसी को ये याद आ रहा है? जॉइंट टेल्स ऑफ ऑल वेक्टर्स both vectors was actually the first step when we used to find angle between two vectors. Yes, somebody is not sleeping. So angle theta, yaad aa raha hai? This was the step for. Yes. ठीक है. आगे सर. मैं ये कह रहा था guys. So what is parallelogram law? Joint tails of both vectors and mark it origin. तो हमने इसको origin mark कर दिया. Complete the parallelogram using two vectors as adjacent sides. Complete the parallelogram. Guys, कैसे होएगा ये complete? ऐसे हो जाएगा. किस किस को चमक गया? Yes, sir, बस parallel lines बना दिए. हाँ, बिल्कुल सही है कि नहीं है? अब ये बना दिया. Draw. एक सेकेंड, मैं जब म्यूट पे भी कर दूं. अब ठीक है. ड्रॉ डायगनल फ्रॉम कॉमन वर्टेक्स टू अपोजिट साइड. नाउ दिस इज द रिजल्टेंट. किस किस को समझ में आया कि यार ये ट्राइंगल लॉ ही तो हो गया? ये हो गया ना, ये हो गया रिजल्टेंट. हाँ या ना? अरे तुम ये सर, तो ट्राइंगल लॉ ही है यार. ये ट्राइंगल लॉ ऐसे है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो ये हो गया ए प्लस बी वेक्टर. बोलो हाँ. यस सर. और फिर मैंने कहा ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, तो ये वाला वेक्टर हो गया b प्लस a वेक्टर. बोलो हाँ. किस किस को समझ में आया? सर आ गया. बट फिर ये इसका यूज क्या है फिर, अगर ट्रायंगल लॉ में यही होता है? कई बार पैरेललोग्राम से सोचना जल्दी हो जाता है, कई बार ट्रायंगल से सोचना. दोनों सेम है यार, किताबों में अलग अलग को तो एक ही लगते हैं. मैंने कब मना किया कि अलग है? यार अगर कोई पूछेगा कि पैरेललोग्राम लॉ क्या है, yes, तो तुम्हें पता होना चाहिए. अब बोलो. कल कोई उसका नाम लेके बोले पैरेललोग्राम लॉ क्या है, तो क्या करोगे? yes, आया ना? नाम की वजह से ठीक है, बट कोई ऐसा तो नहीं है कि पैरेललोग्राम लॉ से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इस तरह का? तो ना, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ू तो मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा हूँ. हाँ बोलो सर, एक बार दोबारा क्वेश्चन करना. कौन बोला? चेतन. अरे सर, तो मैं बताया था, दोबारा देख लो. मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, और ये मान लो बी वेक्टर है, तो ट्राइंगल लॉ तो ये कहता है कि ए वेक्टर लो और बी वेक्टर लो, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, चलेगा? और पैरेललोग्राम लॉ कहता है ए वेक्टर लो और बी वेक्टर, दोनों की टेल ज्वाइन कर दो, कर देगा? क्यों बेटा? ए और बी की टेल ज्वाइन कर दी. अब पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो. अब कंप्लीट कर दिया तो उसके अंदर कॉमन डायगनल बनाओ.
कहां से बनाओगे? कॉमन डायगनल, कॉमन वर्टेक्स से बनाना, कॉमन टेल से, और जो अपोजिट साइड पे जो ये बनेगा डायगनल, ये हमारा रिजल्टेंट होएगा। यार ये ट्राइंगल लॉ नहीं हो गया, क्योंकि टेक्निकली तो तुमने ये कहा कि ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो दिस विल बी ए प्लस बी, हाँ या ना? और फिर तुमने कह दिया ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये हो जाएगा बी प्लस ए, सो ए प्लस बी इज सेम एज बी प्लस ए बी, एक लाइन से दिखाई दे रहा है, बोलो हाँ। इनफैक्ट पैरेललोग्राम लॉ इज एक्चुअली बेटर देन ट्राइंगल लॉ इफ यू थिंक ओवर इट, इट इज इजियर टू थिंक दैट वे। पहला स्टेप क्या करोगे चेतन, समझ में आया या नहीं आया? यस सर आ गया। अब जैसे मान लो, जैसे मान लो हमारे पास एक वेक्टर ऐसे है ए वेक्टर, और हमारे पास मान लो बी वेक्टर ऐसे है। अब तुम इसको ट्राइंगल लॉ से करते तो कैसे करते? तुम कहते कि ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, चलेगा? और फिर कहते कि ये वाला वेक्टर रिजल्टेंट होगा, हाँ या ना? यस सर। और अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ से कहता तो क्या कहता? मैं कहता ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, और इसका पैरेललोग्राम मैंने कंप्लीट कर दिया, चलेगा? और मैंने कॉमन डायगनल बनाया, कॉमन वर्टेक्स से, कॉमन टेल से अपोजिट वाला जो डायगनल बनेगा। ऐसे डंडा बना के मत छोड़ देना, इसमें एरो बनाना जरूरी है। आधे बच्चे तो एरो ही नहीं बना रहे होंगे अभी, मुझे पता है। और ये हो जाएगा रिजल्टेंट, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम ही है। समझ में आ गया गाइस या नहीं आ गया? एवरीबॉडी yes. समझ में आया है ना? यस सर। यस सर। अब लिख लिया सबने? अगर लिख लिया, नहीं लिख लिया? यस सर। पक्का? हाँ। अब सपोज करो क्वेश्चन वन, एक ऐसे बना दिया और एक ऐसे बना दिया, इसको करो दोनों से, ट्राइंगल लॉ से भी और पैरेललोग्राम लॉ से भी, ड्रॉ करना आना चाहिए। ऐसा कर दो क्वेश्चन टू, एक ऐसे ले लो और एक ऐसे ले लो, ठीक है? इसको भी करो, दोनों लॉ से करना है ना? हाँ हाँ दोनों से करना है यार, बस डायग्राम ही तो बनाना है, नॉट अ बिग डील। सर ए कौन सा, बी कौन सा? अरे तुम्हारी मर्जी यार, किसी को भी ले लो। मैंने बताया अच्छा। था कॉम्यूटेटिव में कॉम्यूटेटिव है, इसलिए पहले कौन सा लिख रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? Got it? Yes, sir. अब जैसे ये वाला है, everybody got it or not? ठीक है? Yes, sir. कुछ कुछ कॉन्फिडेंस आया है, कुछ कुछ नहीं आया? यस सर आ गया। आ गया। अब थोड़ा सा मैथ की बात कर देते हैं। मान लो मेरे पास क्वेश्चन आया, मैंने ये बताया था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते थे, टेल ज्वाइन करो, टेल ज्वाइन करो, यस सर, और छोटा एंगल, टेल ज्वाइन करो एंड 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 छोटा एंगल। इसका मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 degree एंड 180 degree। 0 degree हो गया केस वन, 0 degree हो गया केस वन। केस वन कौन सा था? सेम डायरेक्शन वाला, सेम डायरेक्शन वाला। और 180 degree हो गया केस टू, केस टू हो गया अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन वाला, हाँ या ना? यस सर।
लिख लिया। हाँ, और यही प्रॉब्लम है। अभी देव ने एक अच्छी बात बोली, उसने कहा सर ये जो दो लॉ हैं, ये जो दो लॉ हैं, ये तो एक बार में दो वेक्टर ऐड कर सकते हैं ना, दो वेक्टर। मैंने कहा हाँ हाँ दो ही ऐड कर सकते हैं। इसीलिए मैंने पिछली बार समझा रहा था कि देखो मान लो कोई 11th में ढंग से नहीं पढ़ा और 12th में मेरे पास आके कहता है कि सर मेरे को कंपटीशन का पढ़ा दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पहला क्वेश्चन है चार चार्ज रख के एक चार्ज पे फोर्स निकालना, उस पर कितनी फोर्स लगेंगी तीन चार्जेस के कारण, तीन लगेंगी। और बच्चे कहते हैं सर ट्राइंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ से क्या करें। मैंने कहा किसने कहा, बोले स्कूल वालों ने कहा। मैंने कहा पागल हो गए हो, यू आर सपोज टू यूज मेथड ऑफ व्हाट, कंपोनेंट्स। तो जो तुम कर रहे हो उससे कोई फायदा नहीं होगा अगर दो से ज्यादा वेक्टर हो गए तो, हाँ या ना। मैं तो दो के लिए दो के लिए भी मेथड ऑफ कंपोनेंट लगाऊंगा और मैं उसमें ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लॉ नहीं लगाऊंगा। कराने के लिए मैं करा रहा हूं क्योंकि जो मेथड ऑफ कंपोनेंट है वो इसी चीज पे बेस्ड है, उसका 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 स्टार्टिंग ट्राइंगल लॉ ही होती है, हाँ या ना। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। तो मैंने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बता दिया। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री, हाँ या ना। लिख लो तो बता देना, ये सारे डायग्राम तुमने बना लेने हैं। एवरीबॉडी गॉट इट? नहीं नहीं बनाए ना अभी? शुड आई वेट? हो गए सर। यस सर, वन मिनट। बन गए श्योर? और जो ये बिल्कुल शांत बैठे हैं बेटा बोलना सीख लो, सही बता रहा हूं। हाँ गाइस, यहां तक का हो गया। सो मैं ये कह रहा था, सपोज मेरे पास ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इस पे इधर फोर्स लग रही है सपोज 10 न्यूटन और इधर फोर्स लग रही है सपोज 5 न्यूटन, इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स ऑन बॉडी। अब जो ये सोच रहा है कि सर फोर्सेस करा रहे हैं, मेरा फोर्स कराने का कोई इरादा नहीं, मेरा वेक्टर एडिशन कराने का इरादा है, हाँ या ना। कैसे yes. कर ले? नहीं नहीं तुम खुद नहीं करोगे पहले, मैं क्योंकि कुछ बच्चों को मैंने कराया नहीं है इसका फॉर्मूला, इसीलिए मैं कह रहा हूं मैं कराऊंगा पहला क्वेश्चन। इसको कैसे करेंगे? हमने कहा ये ए वैक्टर हो गया, ये ए वैक्टर हो गया और ये बी वैक्टर हो गया। एवरीबडी, ये एंगल थीटा बिटवीन द टू हो गया, एग्रीड और नॉट? यस। डेरिवेशन करा रहा हूं मैं, इसको पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दो, सही है? कर दिया पैरेललोग्राम को कंप्लीट, और ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होना चाहिए, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होना चाहिए। बच्चे कहेंगे आंसर निकल गया। मैंने कहा आंसर कुछ ना निकला, तुमने बेसिकली रिजल्टेंट का चित्र बना दिया। क्या बना दिया? चित्र। चित्र से आंसर थोड़ी निकलेगा, हाँ या ना। तुम्हें तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी बताना है और इन रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी बतानी है, बोलो हाँ। yes. तुम्हें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी बताना है एंड रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी बतानी है, एग्रीड और नॉट? तो वो कैसे निकालेंगे? तो मैंने कहा एक काम करो, यहां पर कंस्ट्रक्शन करो, इस बेस को एक्सटेंड कर दो, इस बेस को एक्सटेंड करके इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर गिरा दो, चलेगा? क्या मैं ये कह सकता हूं ये वाला एंगल भी थीटा होगा? बोलो हाँ। यस सर। अब ये बी वेक्टर था तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, बी मैग्नीट्यूड, ये वाली लेंथ? बोलो हाँ। यस सर। अब क्या मैं ये कह सकता हूं लुकिंग एट दिस ग्रीन ट्राइंगल, कैन आई से बेस की लेंथ इज बी मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा? यस सर। कैन आई से दिस लेंथ इज बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा? एग्रीड और नॉट? यस सर। अब मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। रिजल्टेंट का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है। ये लेंथ निकालने के लिए पूरा ट्राइंगल ले लेंगे और पूरे ट्राइंगल पे पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस लगाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज अंडर द रूट ऑफ बेस का स्क्वायर। बेस का लेंथ कितना है?
क्या मैं कह सकता हूं बेस का लेंथ है ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बोलो हाँ, बोलो हाँ। यस सर। और ये परपेंडिकुलर का लेंथ कितना हो जाएगा, बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये भी सही है भाई, ठीक है कि नहीं है? यस सर। अब यहां पर इसको खोल दें, खोल सकते हैं इसको पहले वाले ब्रैकेट को, समझ में yes, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? तो कितना आ जाएगा a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉस थीटा प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। किसी को अगर समझ में नहीं आया तो यहां पर समय है, मुझसे पूछें, मैं बता दूंगा। किसी को ये यहां से यहां जाना समझ में नहीं आया, किसी को ये डायग्राम से यहां पे आना ही समझ में नहीं आया, नाउ इज द टाइम टू से कि सर हमें समझ में नहीं आया। नहीं आया तो बोल दो, हम समझा देंगे। आया समझ में? नहीं आया है? यस सर, आ गया। आ गया पक्का ना? यस, ठीक है। यस सर। अब इसके अंदर क्या मैं इस क्वांटिटी को और इस क्वांटिटी को जोड़ सकता हूं? बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर कॉमन ले लो। अरे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? वन। साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है। तो ये बन गया अंडर द रूट ऑफ ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा का अंडर द रूट। यहाँ पे थोड़ा मैंने जो आलस दिखाया है वो तुम ठीक कर सकते हो। एरोज और आगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है एरो की लेंथ, एरो की लेंथ। हाँ या ना? Got it or not? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर इसको ए वेक्टर बोल रहे हैं, इसको बी वेक्टर बोल रहे हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ए मैग्नीट्यूड इज 10 एंड बी मैग्नीट्यूड इज 5। Got it or not? लिख लिया? नहीं लिख लिया? अब ये लिखो 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 लिखो, हो जाए तो बता देना। इसके बाद मैं ये कह रहा हूं कि सपोज करो ये अकेला वैल्यू लिखने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें डायरेक्शन भी तो बतानी पड़ेगी। डायरेक्शन, या डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं? अगर मैं किसी तरह अल्फा बता दूं तो ये कह सकता हूं रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा विद ए वेक्टर। बोल सकता हूं ना कि रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा विद ए वेक्टर। हाँ या ना? So you can sum up, if you find alpha, you can say the direction is this with a vector. हाँ या ना? ऐसे तो बोल सकता हूँ ना कि a की direction से angle alpha पे है resultant. बोलो हाँ. काम चलेगा ना? तो angle alpha कैसे निकाल सकते हैं? क्या मैं जो yellow वाला triangle है, orange वाले triangle से बोल सकता हूँ tan alpha is perpendicular by base? Can I say that b magnitude sine theta upon a magnitude plus b magnitude cos theta? बोलो हाँ। नहीं समझ आया? yes, अभी बोल दो। नहीं आया सर, हमें नहीं आया समझ में। मैं एक लाइन में समझा दूंगा। tan alpha हो जाएगा perpendicular upon a, perpendicular हो गया b magnitude sin theta और base की length हो गई a magnitude plus b magnitude cos theta। ये डायग्राम बनाना है, पूरा लिखना है। लिख लिया? आराम आराम से लिख लिया सर सबने? अच्छा, कुछ लोगों को ना अजीब होते हैं, उनको tan alpha से खुशी नहीं मिली, उनको tan alpha से खुशी ही नहीं मिली। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो sin alpha लिख के दिखाएंगे। मैंने कहा लिख लो यार, मतलब तुम्हारी मर्जी। sin alpha लिखना चाहेगा तो वो क्या लिख सकता है? b magnitude sin theta upon r magnitude। बोलो हाँ। Yes, sir. और कोई cos alpha लिखना चाहेगा तो क्या लिख सकता है? a magnitude plus b magnitude upon r magnitude। बोलो हाँ। Got it or not? Yes, sir. Yes, sir. पक्का?
अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं, अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं, सबने लिख लिया था? Yes, sir. अब जैसे ये क्वेश्चन आता मेरे पास, सपोज यही क्वेश्चन मैंने दोबारा कहा कि भाई ये क्वेश्चन दिया किसी ने, ये एक वेक्टर है, इस बॉडी पे फोर्स लगी है, इधर लगी है 10 न्यूटन और इधर लगी है 5 न्यूटन और बीच में एंगल है 60 डिग्री। मैंने कहा नेट फोर्स निकालो, तो नेट फोर्स ऐसे किया और मैंने कहा नेट फोर्स होगी ये एट एंगल अल्फा। मैंने कहा आर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 10 × 5 अंडर रूट 175 आ रहा है। कॉस 60, कॉस 60 कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 टू से 2 कट जाएगा, ये आ गया अंडर द रूट ऑफ 175, ये हो गया 5√7। बोलो हाँ कितना फोर्स लग रही है, नेट फोर्स, नेट फोर्स लग रही है 5√7 न्यूटन। गॉट इट। टेन अल्फा कितना हो जाएगा, टेन अल्फा हो जाएगा 5 sin 60 अपॉन 10 + 5 cos 60। गॉट इट और नॉट? ये वाला अल्फा yes, sir. 5√3/2 अपॉन 10 + 5/2, तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा √3/5। तो tan alpha is √3/5। बोलो हाँ, डन। कहानी हजम हुई कुछ कुछ? यस यस। पक्का? यस सर। यस सर। ठीक है, सपोज करो ये एक क्वेश्चन कराया मैंने, ये मैंने एक क्वेश्चन कराया, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लो क्वेश्चन है, अच्छा उससे पहले मैंने एक स्पेशल ट्रायंगल कराया था, किस किस को कराया था? एक स्पेशल ट्रायंगल कराया था, मैंने कहा था कि एक बहुत, तुम्हें कौन कौन से एंगल्स पता होते हैं, 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree, यहां तक का पता होता है, हाँ या ना? मैंने कहा दो एंगल और भी होते हैं, एक याद करो राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसकी साइड लेंथ 3 होती है, 4 होती है एंड 5 होती है, 53 और 37 डिग्री। यस सर, 53 और 37। हाँ, ये कुछ एक बैच में कराया था, एक में मैंने कुछ बच्चों को नहीं कराया था, समझ में आया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसकी साइड लेंथ 3, 4, 5 हो गई, जिसकी साइड लेंथ कितनी होगी गाइस, 3, 4, 5 हो गई। ऐसे केस में जो ये छोटी साइड है उसके सामने जो एंगल होगा वो छोटा होगा, और जो बड़ी साइड है ऑब्वियसली उसके सामने जो एंगल होगा वो बड़ा होगा। याद रखना ये छोटा एंगल होता है 37 डिग्री, ये बड़े वाला कितना होगा, बड़े वाला कितना होगा 53, 90 माइनस 37 हो जाएगा 53। इससे याद कर सकते हैं हम कि साइन 37 कितना हो जाएगा, साइन 37 हो गया 3/5, कॉस 37 हो गया 4/5, टेन 37 हो गया 3/4, साइन 53 हो गया 4/5, कॉस 53 हो गया 3/5, टेन 53 हो गया 4/3। प्लीज भाई अपने यहाँ मिक्सी मत चलाओ, ठीक है, और चलाओ तो अनम्यूट मत करो, ठीक है। लिख लिया सबने गाइस? बहुत इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं, कोई भी किताब तुम्हें उठा के दिखा दूंगा जिसके अंदर आधे क्वेश्चन इन दो एंगलों पे होंगे, क्योंकि ये दो एंगल ऐसे हैं जो मैथ वाला कभी नहीं कराता, फिजिक्स वाला कराता है, ठीक है गाइस? यस सर। हाँ गाइस, कहां पे थे हम? ये मैंने दो एंगल सिखा दिए, 37 और 53 डिग्री। अच्छा अब एक क्वेश्चन खुद से करेंगे, अब एक क्वेश्चन खुद से करेंगे। ये बताओ, मान लो इधर की तरफ ये बॉडी है, इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन और इधर की तरफ फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन और उसने दुष्ट ने एंगल दे दिया ये 60 डिग्री। फाइंड नेट फोर्स। किस किस को समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन बनाने वाला बहुत शातिर इंसान है, उसने जानबूझ के गलत एंगल दिया है? बोलो हाँ सर, लीनियर पे ऐसे नहीं करते। नहीं, तुम ये बताओ ना,
जब तुम इसके अंदर ये उसने जानबूझ के बच्चा फॉर्मूला मारेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, वो थीटा गलती से 60 लेके गलत नहीं हो जाएगा क्वेश्चन सर? थीटा शायद 120 लेना, 120 लेना पड़ेगा, हाँ या ना? यस यस, मतलब एंगल एंगल बिटवीन तुम्हें टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन तुम्हें टू वेक्टर्स लेना है, वो एंगल दोनों की टेल ज्वाइन करके छोटा एंगल चूज करते हैं, थीटा का रोल यहाँ पर 120 डिग्री फॉलो करेगा, बोलो हाँ? समझ में आई बात नहीं आई? उसके बाद स्टोरी चालू होगी कि रिजल्टेंट निकालो, तो मैं ये कह सकता हूँ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 120। यहां पर जो महान बच्चे हैं जिनको लगता है कि भैया मैथ में कहीं और पढ़ूं, फिजिक्स कहीं और पढ़ूं, उनका यहां पर पतन होगा। कैसे होगा? कॉस 120 उनको पता नहीं होगा क्योंकि मैडम की क्लास अटेंड नहीं करी होगी। कॉस 120 होता है -1/2। बोलो हाँ? मैडम से मैंने कहा था कि क्लास के अंदर ऑब्ट्यूस एंगल्स करा देना, तो उन्होंने सारे चारों क्वाड्रेंट में करा दिए होंगे। हाँ सर आते हैं। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस नेगेटिव होता है, हाँ या ना? यस सर। और क्या बोलते हैं, साइन पॉजिटिव होता है, टेन भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव होता है, सेकंड पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं। याद आ रहा है? कुछ कुछ ऐसे कराया था उन्होंने। यस सर। तो कॉस 120 क्या हो गया? -1/2। ये कट गया, ये हो गया हमारा 125 माइनस 50 कितना हो गया? 75। रूट 75 दैट इज गोइंग टू बी 5√3 न्यूटन। बोलो हाँ? उसके बाद हमसे पूछा गया एंगल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मतलब सॉरी एंगल ऑफ द रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो मैंने कहा मान लो ये वाला एंगल अल्फा है, टेन अल्फा लिख सकता हूं, टेन अल्फा, टेन अल्फा क्या हो जाएगा? बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा अपॉन ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। और ये भी याद रखना अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर। बोलो हाँ? वेट, दिस इज द ए वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर। यस। तो ये आंसर क्या आएगा? ये आ गया बी मैग्नीट्यूड दैट इज गोइंग टू बी 5। साइन 120 पॉजिटिव होता है, साइन 120 हो गया √3/2 अपॉन 10 प्लस 5 कॉस 120 हो गया -1/2। बोलो हाँ? ये आ गया ये आ गया √3/3 और ये आ गया 1/ ये आ गया 1/√3। ओ ये तो जाना पहचाना एंगल आ गया फॉर अ चेंज, ये एंगल आ गया 30 डिग्री, ये एंगल आ गया 30 डिग्री। बच्चे खुश, अरे वाह, ये तो जाना पहचाना एंगल आ गया इस केस में। किस किस को समझ में आया है? आ गया समझ आ गया। जूम आउट करूं क्या लिखने के लिए? जब पूरा दिख ही रहा था। लिख लो तो बता देना, लिख लो तो बता देना फॉर अ चेंज। चल लिख लिया सर। अभी नहीं लिखा। ओके हाँ गाइस, मैं क्या कह रहा था, सपोज एक और केस ले, इधर 10 न्यूटन लग रहा है, इधर 5 न्यूटन लग रहा है, आया ना? बीच में एंगल 90 डिग्री है। अब कोई कहे कि रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, ऐसे करा ऐसे किया और ये रिजल्टेंट होगा। बोलो हाँ? और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अंदर का √125 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है? 0। तो √25 हो गया, ये आ गया 5√5 न्यूटन। बोलो हाँ? एंगल अल्फा कितना आ जाएगा? 10 अल्फा आ जाएगा 5 साइन 90
अपॉन 10 प्लस 5 cos 95 sin 91 होता है, cos 90 0 1 by 2 sin 30 5 by 10 1 by 2. मैंने कहा ये बताओ क्या मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला लगाया तो वो बच्चा गधा था. उसने अपना दिमाग नहीं लगाया. उसने क्या किया, उसने कहा आंख बंद करके बिना दिमाग लगाए फॉर्मूला लगा रहे हैं. मतलब अब यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करोगे तो तुमसे कहा गया एक है 10, एक है 5 और दोनों है 90 डिग्री पे. रिजल्टेंट होता है हमारा पैरेललोग्राम का डायगनल. तो मैंने कहा यार ये तो रेक्टेंगल नहीं हो गया, तो डायगनल की लेंथ सीधा बोल दो यार पाइथागोरस से 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. बोलो हाँ डायरेक्टली बोल देंगे. एंगल अल्फा छोड़, मैं तो इसमें बीटा भी निकाल लूंगा. टेन अल्फा चाहिए तुझे, टेन अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस और टेन बीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस. बोलो हाँ टेन अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस और टेन बीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस. बोलो हाँ yes. ठीक है. तो मतलब फॉर्मूला लगाते लगाते ना ऐसा मत हो जाना एक लिमिट के बाद जाके कि आंख बंद करके मार रहे हैं. कहां मार रहे हैं, आंख बंद करके चला रहे हैं फॉर्मूला. ऐसे मत चला देना गाइस. सबने लिख लिया नहीं लिख लिया? हो गया सर, लिख लिया सर. हो गया ना गाइस? एवरीबॉडी एवरीथिंग कूल, एवरीथिंग चिल? यस, नथिंग इज चिल. सपोज करो यारो, ये सपोज करो मैं सोच रहा हूँ इसके बाद मैं क्या कराऊं. इसके बाद टेक्निकली तो मुझे ये कराना चाहिए. एक काम करते हैं ना, एक क्वेश्चन कराते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन. यार तुम लोग सोच रहे हो सर ने बीटा एंगल का तो फॉर्मूला भी नहीं कराया, सर ने बीटा एंगल का तो फॉर्मूला भी नहीं कराया. हालांकि मैं ये कह सकता हूँ बीटा एंगल का फॉर्मूला कराना कोई मुश्किल नहीं था. मैंने ऐसे ही नहीं कराया, मुझे लगा कि भाई तुम खुद ही सोच लोगे. ये एंगल, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, चलेगा? इधर देखो, और अगर ऐसे बना दिया, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन करते थे, हाँ या ना? समझे कि समझे? उस क्वेश्चन को छोड़ दो थोड़ी देर. ये सोचो कि मैं कुछ कंसेप्ट कराना चाह रहा हूँ. तो कंसेप्ट कराना चाहूँ जब मैं, तो बिल्कुल सतर्क हो जाया करो. ये एंगल थीटा है और ये रिजल्टेंट हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया. मैं कुछ कंसेप्ट कराना चाह रहा हूँ. और मान लो कोई अगर ये कहे कि रिजल्टेंट का एंगल ए वेक्टर के साथ अल्फा है और रिजल्टेंट का एंगल बी वेक्टर के साथ बीटा है, तो अगर कोई अल्फा और बीटा की इक्वेशन बनाना चाह रहा है तो क्या मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ, ऐसे सोचो इसको एक्सटेंड करूं, ये थीटा हो गया, ये मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड हो गया, ये बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा हो गया, ये बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा हो गया. तो टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या बन रहा था गाइस? टेन अल्फा का फॉर्मूला बन रहा था बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा अपॉन ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा. बोलो हाँ यस सर यस. अगर मैं ये कहूं कि नहीं नहीं यार मजा नहीं आया, इसको एक्सटेंड कर दूं, ये एंगल थीटा होगा, ये ए मैग्नीट्यूड होगा, यहां से परपेंडिकुलर गिरा दूं, ये ए मैग्नीट्यूड साइन थीटा होगा, ये ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा होगा. बच्चे कहेंगे क्या कर दिया सर इतनी जल्दी, कैसे किया? सोच 400 बार पढ़ाऊंगा तो सोच ही लूंगा. समझ में आया या नहीं आया ये बता दो. आ गया सर. उसको एक्सटेंड किया, आ गया सर. एक्सटेंड किया, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर टपकाया, वो एंगल थीटा था और ये ए मैग्नीट्यूड है ये वाली लेंथ. तो मैं ये कह सकता हूँ ना ये परपेंडिकुलर हो गया ए मैग्नीट्यूड साइन थीटा और ये बेस हो गया ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा. कॉस थीटा. क्या मैं ये कह सकता हूँ फॉर्मूला बन जाएगा टेन बीटा इज ए मैग्नीट्यूड साइन थीटा अपॉन बेस हो जाएगा बी मैग्नीट्यूड प्लस ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा. सही है कि नहीं है? ए मैग्नीट्यूड साइन थीटा अपॉन बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा प्लस बी मैग्नीट्यूड, दिस इज बी मैग्नीट्यूड. हाँ या ना? क्या बोल रहे हो? यस सर. चमका कि नहीं चमका? यस सर. यस सर. इससे भी रिजल्टेंट निकालोगे सेम मैग्नीट्यूड आएगा क्योंकि वो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए कॉस थीटा प्लस बी का होल स्क्वायर. हाँ या ना?
देव कह रहा है सर एक्सप्लेन वंस मोर। भाई तुमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बनाया था बच्चे, बच्चे तुमने पैरेललोग्राम बनाया था, चलेगा? वेक्टर एडिशन जाए तुम्हारा तेल लेने। ये लेंथ बी है, ये लेंथ ए है, चलेगा? मुझे ये लेंथ निकालनी है और मुझे ये वाला एंगल अल्फा निकालना है, ये बीटा निकालना है। इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग एक्सटेंडिंग दिस, ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर सेइंग दिस इज बी, दिस इज थीटा, दिस इज बी कॉस, दिस इज बी साइन, हाँ या ना? बी बी लिख रहा हूं तो बी मैग्नीट्यूड मानो, क्या मानो? बी को बी मैग्नीट्यूड मानो, एच सी वर्मा स्टाइल। उसने भी ऐसे लिखा है कि बी ए ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ए लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। ये ए है, यहां से एक्सटेंड करो, ये थीटा होगा नहीं होगा पहले तो ये बताओ, नहीं समझ में आया? इसको एक्सटेंड करो इस लाइन को, देव ये थीटा होगा। अब ये मत कहना ये भी नहीं आता, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स धाएं धाएं, हाँ ना, में जवाब दे दे भाई। यहां से परपेंडिकुलर टपका इस लाइन पे, ये अब इस ट्राइंगल को देख, इसमें हाइपोटेन्यूस है ए, ये है थीटा, ये हो गया ए साइन थीटा, ये हो गया ए कॉस थीटा। अब कौन से ट्राइंगल को देखेगा बेटा? इस बड़े ट्राइंगल को देख, ये एंगल है बीटा और ये परपेंडिकुलर है, ये पूरा बेस है, तो कितना हो गया? टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन बीटा कितना हो गया? ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। अब आगे समझ में नहीं आ गया? डन डन डन। बच्चे कह रहे हैं सर क्वेश्चन तो करा दो जो पहले दिया था, ये तो फॉर्मूला करा दिया। ये समझ में आ गया, बट फिर कंपेयर कैसे करेंगे? जैसे क्वेश्चन में कंपेयर करने का आया था। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, उस क्वेश्चन में मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, गारंटी मेरी। मैं फील से कर दूंगा इस क्वेश्चन को, जो स्कूल टीचर होगा ना वो इस पे दो पेज भरेगा, दो पेज भरेगा, मैं इसको फील से करूंगा। कैसे? ये कह रहा है ए एंड बी वेक्टर हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये कह रहा है इसका रिजल्टेंट बनाओ। मैंने बना दिया, मैंने कहा जो रिजल्टेंट है वो बड़े वेक्टर से छोटा एंगल बनाएगा और छोटे वेक्टर से बड़ा एंगल बनाएगा, क्योंकि अगर मेरा ये वेक्टर बड़ा होता और ये छोटा होता तो मैं ये कह सकता हूँ उस केस में डायग्राम ऐसा बनता, हाँ या ना? Yes, sir. ओहो, तो ये कह रहा है ए वेक्टर के साथ अल्फा बना रहा है, ए वेक्टर के साथ अल्फा बना रहा है और बी वेक्टर के साथ बीटा बना रहा है। तो ये कह रहा है अल्फा लेस देन बीटा, क्यों? अल्फा लेस देन बीटा, अल्फा लेस देन बीटा अगर ए मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन बी मैग्नीट्यूड, अल्फा लेस देन बीटा अगर ए मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन बी मैग्नीट्यूड एंड बीटा ग्रेटर, बीटा बीटा है अल्फा लेस देन बीटा, अल्फा लेस देन बीटा, लेस देन बीटा, ए मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन बी मैग्नीट्यूड, ठीक है? और अल्फा लेस देन बीटा ए इज, तो सी सही है ना, बी गलत है, बी गलत है। यस सर, सी इज, हां सी इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग। और ये बराबर कब होंगे? अल्फा इक्वल टू बीटा कब होगा बता दो जरा, जब ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड, क्योंकि फिर क्या बन जाएगा? रोम्बस बन जाएगा। यस सर, किस किस को चमक गया? आ गया सर, आ गया सर। हद बकवास क्वेश्चन था नहीं था? यस सर, तुम लगे हुए थे इसके अंदर बैठ के फॉर्मूला मारने, दो डायग्राम बनाए नहीं, क्वेश्चन हो गया, हाँ या ना? यस सर, यस सर। अब तुम कहोगे ये आपको हिट कैसे करा डायग्राम बनाने का, क्योंकि क्योंकि मैंने इतनी बार क्वेश्चनों में तुम्हें डायग्राम बना बना के प्रैक्टिस करवा रहा था ना, इसीलिए करवा रहा था कि जब क्वेश्चन आए तो तुम ऐसे बना पाओ। किसका माइक कितना खराब है भाई? ओके, खुद ही कर लिया म्यूट, हाँ या ना? गाइस बोलना सीख गया, yes, समझ में आया कि नहीं आया? कौन बोला है? नाम तो बताना पड़ेगा। आकर्ष बोला। बेटा देखो ऐसा कह रहा हूँ, अगर एक वेक्टर है, उस क्वेश्चन को मत पढ़ो, एक ये वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट ऐसे होएगा, बोलो हाँ। और अगर मैंने ये वेक्टर छोटा लिया, ये वेक्टर बड़ा लिया, तो रिजल्टेंट कैसे होएगा? पैरेललोग्राम लॉ से ऐसे होएगा, बोलो हाँ।
तो इसका मतलब छोटे वेक्टर के साथ रिजल्टेंट बड़ा एंगल बनाता है और बड़े वेक्टर के साथ छोटा एंगल बनाता है। बोलो हाँ। यस सर। तो अगर ए के साथ अल्फा बना रहा है, बी के साथ बीटा बना रहा है और ए बी से छोटा है, तो अगर ए ये है बी ये है, तो ए से अल्फा बना रहा है, बी से बीटा बना रहा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ अल्फा ग्रेटर देन बीटा होना चाहिए था इसमें? हाँ या ना? तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये तो वैसे ही गलत है। अब यहां पर ये कह रहा है कि ए बड़ा है और बी छोटा है, ये लेंथ बड़ी है ये छोटी, ए से अल्फा बना रहा है, बी से बीटा बना रहा है, तुम्हें दिखाई दे रहा है कि बी छोटे वाले से बड़ा एंगल बना रहा है, तो बीटा ग्रेटर देन अल्फा होगा, चलेगा? ये सही है। अब ये बता दो चौथा क्या बोल रहा है? चौथे में कह रहा है ए इक्वल टू बी, तो मैं कह सकता हूँ अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। बोलो हाँ। क्योंकि फिर क्या बनेगा? कौन बेवकूफ है जिसका माइक इतना खराब है? मैं कह रहा हूँ भाई माइक चेंज कर ले, मैं बता रहा हूँ म्यूट ही रहेगा ऐसे करेगा तो। अमेजन जिंदाबाद करो, ये रोम्बस बना दूंगा, रोम्बस के अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर नहीं होते अगर ये साइड और ये साइड बराबर है तो। बोलो हाँ सर। यार अब इस टाइप का एक बार किसी ने पूछ लिया, हमने बता दिया, अब इस पे मैं जबरदस्ती कितने क्वेश्चन बना दूंगा? मैंने तो खुद कहीं से आर्काइव से उठाया है कि नहीं उठाया है, ठीक है, एक करा दिया, बहुत बड़ी बात है, चिल है कि नहीं है यहां तक? इसके और बनते ही नहीं और क्या बनेंगे? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वो ज्यादा से ज्यादा कुछ और बकवास पूछ लेगा, ठीक है? यहां तक का समझ में आ गया या नहीं आ गया गाइस? एवरीबॉडी आ गया सर? यस सर आ गया सर। ये ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लॉ करा रहा हूं। अच्छा अब मैं एक और बात बोलना चाहूं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता था ये बता दो यार। ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा। अब ये बता दो थीटा कहां से कहां के बीच में वेरी कर सकता था? 0 डिग्री है 0 टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। बोलो हाँ। यही तो होता था, मैंने कहा था ना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, 0 और 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ये बताओ cos थीटा 0 और 180 के बीच में क्या -1 और -1 के बीच में जाता है? बोलो हाँ। cos थीटा मैक्सिमम कब होता है? cos थीटा मैक्सिमम कब होता है? इज मैक्सिमम प्लस 1 व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। हां उस केस में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर द रूट ऑफ a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। ये कितना हो गया? a मैग्नीट्यूड प्लस b मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर का अंडर द रूट a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया ना, दैट इज a मैग्नीट्यूड प्लस b मैग्नीट्यूड। ओ माय गॉड, सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स होते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड्स रिजल्टेंट इज सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स। यही तो सिखाया था मैंने स्टार्टिंग में, घूम फिर के वहीं पे आ गए। बोलो हाँ। यस सर। यस सर। पक्का? जब वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है, और मिनिमम कब होएगा? मिनिमम कब होएगा सर? जब 180 होएंगे। बिल्कुल सही समझ में आया तुम्हें, क्योंकि 180 में क्या हो जाएगा तुम्हारा, 180 में तुम्हारा, ये तो मैक्सिमम वाला केस हो गया, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, हाँ या ना? और मिनिमम वाले केस में क्या हो जाएगा? थीटा हो जाना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि इसमें कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस 180 हो जाएगा -1, और उसमें क्या बन जाएगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बन जाएगा अंडर द रूट ऑफ ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस 2a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। बोलो हाँ। ये हो जाएगा a मैग्नीट्यूड माइनस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का रूट, दैट इज a मैग्नीट्यूड माइनस b मैग्नीट्यूड। किस किस को ये समझ में आया? यस यही चीज सिखाई थी मैंने स्टार्टिंग में। Yes, sir. कुछ ऐसा नहीं हो गया, विशेष सर्कल सा हो गया, घूम फिर के वहीं पे आ गए जहां से शुरू हुए थे। फील आई है? नहीं आई? Yes, sir. आ गई ना? चलो अब इस पे क्वेश्चन करा सकता हूं मैं, लिख लो तो बता देना सर। एक सेकंड, फिर से समझा दो। समझ कौन था भाई ये सर? मैं सिद्धांत। मैं सिद्धांत सर।
अरे यार नाम तो था सिद्धांत, अच्छा सिद्धांत, यस सर। हाँ मैं ये कह रहा था बालक, तुमने मैथ की क्लास अटेंड करी थी ये बता दो पहले तो। यस सर करी थी ना? यस सर। मैं ये कह रहा था रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला बन रहा था वो बन रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। बेटा पहले तो प्लीज ध्यान रखना, ऐसे लिख के आओगे ना स्कूल में तो जीरो मिलेगा। ये ए क्या है? ये टेक्निकल डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और ये बी क्या है? बी मैग्नीट्यूड को मैंने बी लिख दिया है, हाँ या ना? तो प्लीज ऐसे मत लिखना जैसे हाँ, लिखना है। मेरे को तो पूरा लिखने में टाइम लग जाएगा ना ऐसे करूंगा तो। मैं तो ये बताना चाह रहा था कि अच्छा ठीक है अब हाँ, ये है। अब मैं ये कह रहा हूँ कॉस थीटा मैक्सिमम प्लस वन होता है और कॉस थीटा मिनिमम माइनस वन होता है। जहां पर कॉस थीटा प्लस वन होगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये मैक्सिमम होगा तो रिजल्टेंट भी मैक्सिमम हो जाएगा, बोलो हाँ। और प्लस वन कब होता है? जब थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री होता है। थीटा जीरो डिग्री का मतलब क्या हुआ? याद करो दो वेक्टरों के बीच का एंगल थीटा होता था। थीटा जीरो का मतलब हुआ दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे, बोलो हाँ। यस सर। तो जब सेम डायरेक्शन में थे तो ये टर्म क्या बन जाएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा? हाँ सर। तो इसका मतलब क्या बना? और उसका रूट भी है, उसका रूट भी है, उसका सिर्फ a प्लस बी होगा। हाँ तो सिर्फ a प्लस बी नहीं, a मैग्नीट्यूड प्लस b मैग्नीट्यूड, a मैग्नीट्यूड प्लस b मैग्नीट्यूड। हाँ तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट है उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब होएगा? जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। और कितना होगा? दोनों के मैग्नीट्यूड्स का सम, बोलो हाँ। समझे? यस सर समझ गया। और मैंने कहा रिजल्टेंट मिनिमम कब होएगा? रिजल्टेंट मिनिमम तब होएगा जब दोनों वेक्टर उल्टी डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि उस केस में कॉस थीटा माइनस वन हो जाएगा। ये मैडम ने सिखाया होगा कि कॉस थीटा की वैल्यू प्लस वन और माइनस वन के बीच में ही वेरी करती है, और जीरो और 180 एंगल के बीच में मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस वन जीरो पे और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस वन 180 डिग्री पे, बोलो हाँ। यस सर। ठीक है, आधे बच्चे तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो कॉस 90 जीरो करके लिख के आ जाएंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि 180 पे माइनस वन होती है वो जीरो से तो और छोटी हुई या नहीं हुई। Yes, तो जो, जो 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 9th-10th वाला बच्चा है जिसको पता नहीं ऑब्टूस एंगल क्या होता है, वो तो 90 पे कहेगा कॉस 90 पे मिनिमम होता है कॉस थीटा, गलत बोलेगा नहीं बोलेगा? इसलिए तुम्हारी मैथ की क्लास पहले लगाई या नहीं लगवाई मैंने? मुझे मालूम था जैसे ही मैं ऑब्टूस एंगल की बात करूंगा आधे बच्चे शहीद। समझ में आई बात या नहीं आई? देयर हैज टू बी परफेक्ट हार्मोनी बिटवीन मैथमेटिक्स टीचर एंड फिजिक्स टीचर इफ यू वांट टू स्टडी फॉर कंपटीशन, हाँ या ना? यस सर। डॉट टू डॉट एक क्लास के बाद उनका क्या होना चाहिए मुझे पता है। समझ में आ रहा है? नहीं पता है, अगर नहीं कराया गया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब समझ में आया बेटा या नहीं आया कि हमारा मिनिमम मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ए मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड, जब थीटा मेरा कौन सा होगा? माइनस 180 डिग्री होगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा माइनस वन, बोलो हाँ। यस सर। ठीक है, लिख लिया? यस सर लिख लिया। अब मैं क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? लेट्स सी। हाँ भाई क्या क्वेश्चन कह रहा है ये? क्वेश्चन क्या कहता है? टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 7 and 5 एक्ट ऑन अ पार्टिकल एट एंगल थीटा विच कैन हैव एनी वैल्यू, थीटा कैन हैव एनी वैल्यू। चलो भाई मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? दो न्यूटन सर। एट थीटा इक्वल टू 180। और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 12 एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। वर्बली हो गया? Yes. कौन से कैसे? ऑब्वियसली स्कूल के लेवल का क्वेश्चन है भाई ये कोई कंपटीशन का कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तो सीबीएसई का है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कहने का मतलब है लेकिन कंपटीशन तो तब करेगा ना जब ये आएगा, पहले सीबीएसई होगा तो। हाँ गाइस क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कह रहा है किस किस का रिजल्टेंट 4 नहीं हो सकता। मैंने कहा पहले केस में मैक्सिमम 4 हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है, और 4 कौन से एंगल पे होगा? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इसमें तो 4 हो सकता है, इसमें मैक्सिमम 6 हो सकता है, मिनिमम 2 हो सकता है, तो 4 हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता भाई? 6 और 2 के बीच में सारी वैल्यू ले सकता है, 6 और 2 के बीच में सारी वैल्यू ले सकता है, पता है तुम्हें? नहीं समझे?
अच्छा, ये सही तो मैक्सिमम मिनिमम है, हमने थीटा का बाकी वैल्यूज तो देखा ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली, अब किसी को तो चमका ये चीज, किसी को चमका ये चीज, कौन था ये? सर रिनव। रिनव, समझ में आई बात या नहीं आई? मैक्सिमम छह ले सकता है, मिनिमम दो ले सकता है, लेकिन बाकी वैल्यू तो देखा ही नहीं ना, तो किसी वैल्यू पे चार भी ले सकता है होगा ना, इसका मतलब उसके बीच में सारी वैल्यू ले सकता है। अब मैं चाहूं तो इसमें नया क्वेश्चन बना सकता हूं ना, मैं नया क्वेश्चन ये नहीं बना सकता कि किस वैल्यू पे चार लेगा, बना सकता हूं? मैक्सिमम कितना ले सकता है? आठ, मिनिमम चार, इसमें मैक्सिमम दस, मिनिमम छह, तो डी ऑप्शन वो है ना जिसके अंदर चार नहीं हो सकता, तो ऑप्शन तो डी हो गया क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फोर? आउट ऑफ द फॉलोइंग द रिजल्टेंट ऑफ विच कैन नॉट बी फोर? डी ऑप्शन के अंदर आंसर निकल चुका है मेरा, तो इसमें नहीं आएगा कि क्या नाम है कि कोई वैल्यू होगी इसमें भी फोर आ सकता है। अबे कैसे आएगा? मिनिमम जब छह हो सकता है, मिनिमम मिनिमम छह है और मैक्सिमम दस है, तो चार कैसे हो जाएगा? हाँ ओके सर। अब चमका या नहीं चमका? हाँ सर ठीक है ठीक है, पक्का? यस सर। अब मैं नया क्वेश्चन बना रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि इस बी वाले ऑप्शन में, क्योंकि इस वाले में एंगल थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री पे होगा, इसमें थीटा इक्वल टू 180 पे चार होगा, लेकिन वो ये भी तो पूछ सकता है बी वाले के अंदर कौन से एंगल पे रिजल्टेंट चार होगा। बोलो हाँ कैसे करेंगे? फोर स्क्वेयर इज टू स्क्वेयर प्लस फोर स्क्वेयर प्लस टू इंटू फोर इंटू कॉस थीटा इज माइनस वन बाय फोर। पहली बात तो मैं कह सकता हूँ ऑब्ट्यूस एंगल होगा। बोलो हाँ यस सर। पहली बात तो मैं कह सकता हूँ ऑब्ट्यूस एंगल होगा, गॉट इट? और वैल्यू मुझे पता नहीं, बस यहीं पे लिख के छोड़ के आ जाएंगे, कॉस थीटा इज माइनस वन बाय फोर, कहाँ पे छोड़ के आ जाएंगे? नहीं तो तुम्हें वो चाहिए ना, ये आ रहा है 116 डिग्री, कितना आ रहा है? 116। चमका या नहीं चमका गाइस? आगे सर। ओके, ये बाय द वे एक टर्म मैं शायद बताना भूल गया, एक टर्म याद रखना, कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब है पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। हाँ या ना? दीज ऑल वेक्टर्स आर कोलिनियर। दिस इज ए, दिस इज बी, this is C, this is D, this is E, this is F. So D, E, F are collinear among themselves and A, B, C are collinear among themselves. Parallel or anti-parallel, same direction or opposite direction, those vectors are called as, likh lo definition, collinear vectors. What are collinear vectors? Same direction or opposite direction, same direction or opposite direction. Got it or not? Yes, sir. यहां तक का सबको समझ में आ गया या नहीं आ गया? एवरीबॉडी माना में जवाब दो। सर एक बारी कोलिनियर वेक्टर्स का फिर से डेफिनेशन रिपीट कर। द वेक्टर्स व्हिच आर इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, इन शॉर्ट टर्म हम ये कह सकते हैं पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर्स। आया ना? यस। केस वन केस टू वाले वेक्टर्स आर कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है गाइस। यस सर। कैसा लग रहा है गाइस? बढ़िया लग रहा है? यस सर बढ़िया लग रहा है। यस सर। देखो अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, सांस लो। अब मैं बताता हूँ रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, फिर कंपोनेंट मेथड पे आएंगे। टॉपिक का नाम बिल्कुल नया टॉपिक है, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर।
इनटू इट्स कंपोनेंट्स। अब तक जो पढ़ाया है उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, क्या कर दो जो पढ़ाया है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और बिल्कुल नई चीज को के हिसाब से सोचने का प्रयास करेंगे। रीबूट कर लो अपने दिमाग को खट। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। मैंने दो एक्सिस ले ली बेटा, मैंने दो एक्सिस ले ली, चलेगा चलेगा? दो एक्सिस ले ली, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हाँ या ना? चिल, क्या मैं ये कह सकता हूं कि कोई वेक्टर है कोई वेक्टर है ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है मान लो 10 और ये एंगल है मान लो 30, क्या मैं ये कह सकता हूं? रिवर्स इंजीनियरिंग लगाऊंगा, रिवर्स इंजीनियरिंग, मैंने इस वेक्टर के टिप से, मैंने इस वेक्टर के टिप से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराया और मैंने इस वेक्टर के टिप से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराया, चलेगा? बोलो हाँ। Yes, sir. मैं ये कह सकता हूं ये लेंथ हो जाएगी 10 cos 30 और ये लेंथ हो जाएगी 10 sin 30, बोलो हाँ। Yes, sir. ये लेंथ हो गई 10 sin 30 और ये लेंथ हो गई 10 cos 30। अब रुक जा, अभी तो लेंथ बोली है, अभी तो लेंथ बोली है, क्या मैं ये कह सकता हूं ये एक एरो बना दो, एरो एरो, और ये एक एरो बना दो एरो, क्या मैं ये कह सकता हूं ए वेक्टर, ए वेक्टर इज सम ऑफ टू ग्रीन वेक्टर्स। किस किस को ये हजम हुआ? Yes. अगर अगर दो मिनट सोचोगे तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, मेक सम सेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। द ए वेक्टर इज बेसिकली सम ऑफ टू ग्रीन वेक्टर्स। हजम हुई बात है, नहीं हुई? सो दीज ग्रीन वेक्टर्स आर कॉल्ड एज कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। हॉरिजॉन्टल वाला इज कॉल्ड एज एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर एंड वर्टिकल वाला इज कॉल्ड एज वाई कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, सो ए वेक्टर, एनी वेक्टर, एनी वेक्टर can be broken into two mutually perpendicular vectors, one along x-axis and other along y-axis। एक्स एक्सिस वाला कह देते हैं एक्स कॉम्पोनेंट, दिस इज कॉल्ड एज एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर एंड दिस इज कॉल्ड एज वाई कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर, बोलो हाँ। एंड वी कैन से एक्स कॉम्पोनेंट वाला वेक्टर एंड वाई कॉम्पोनेंट, इसका नाम दे दो कुछ, इसका नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, just confusion now, इसको बोल दो p vector, इसको बोल दो q vector, I can at the end say a vector is technically p vector plus q vector, बोलो हाँ। Yes sir. Got it or not? यार कोई बहुत बड़ा तोप yes. नहीं था, ये बात अलग है, इसमें ये कहो हमने वेक्टर को जोड़ने की जगह तोड़ना सीख लिया, जोड़ने की जगह तोड़ना सीख लिया, बोलो हाँ। Yes. We are not learning how to add a vector. We are learning how to break one vector into two vectors along x-axis and along y-axis. Got it or not? इससे पहले एक चीज और बता दें, इससे पहले एक चीज और बता दें, ये लिख लिया ना या नहीं लिख लिया? लिख लो पहले, फिर मैं एक चीज और बताऊंगा, एक चीज रह गई है छोटी सी इसी चीज से रिलेटेड। चलो guys, बात सुनो, मैं ये कहता हूं एक यूनिट वेक्टर नाम की चीज होती है, यूनिट वेक्टर होता है
वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन. वाओ, इसको जानते हो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं धाय. बच्चे कहेंगे ये तो पहले देखा था, ये तो पहले देखा था. यू आर जजिंग ना कि सर ने यार बताया ढंग से समझाया नहीं. अरे भाई सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है नहीं होता है? नहीं होता ना. ये स्टार्टिंग में आया था, याद करो मैंने बताया था ए वेक्टर होता है, ए वेक्टर होता है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है, और ये मैंने बोल के छोड़ दिया था, डायरेक्शन ऑफ ए होता है, ये डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर होता है, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होता है. हाँ या ना? मैग्नीट्यूड वेक्टर होता है. ये इसके बारे में कुछ बताया नहीं था, इसको मैंने कहा था ए कैप पढ़ते हैं इसे, बस इतना बोल के छोड़ दिया था. हाँ या ना? अब समझाता हूँ. ए कैप क्या होता है? इट इज अ यूनिट वेक्टर, इट इज अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इट इज अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. कुछ कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर. इसका नहीं आया ना, अभी समझाते हैं. मान लो ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है सपोज 10 यूनिट, चलेगा? अब किसी ने कहा ए कैप बना के दिखाओ, तो मैंने कहा ए कैप इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर बनाओ जिसका मैग्नीट्यूड है 1 यूनिट, इसका बोल दो ए कैप. अब समझ में आ रहा है? यस सर. कल कोई कहे ये डायग्राम बना लेना, डायग्राम बनाओगे तब फील आएगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. अगर कोई कहे कि ये बी वेक्टर है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5, तो मैंने कहा बी कैप हो जाएगा इसी डायरेक्शन में 1 यूनिट का, बोलो हाँ. अब कोई कहे कि यार जैसे जैसे अब तुम्हें दिख रहा है वेक्टर पढ़ना मुश्किल क्यों लगता है? इट इज जस्ट लाइक, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, इट इज जस्ट लाइक ट्राइंग टू मेक अ फोर्थ क्लास स्टूडेंट या थर्ड क्लास स्टूडेंट अंडरस्टैंड नंबर लाइन. वो बेचारा दुखी रहता है अपनी जिंदगी से, उसको कह रहे हो कंसेप्ट ऑफ जीरो होता है, कंसेप्ट ऑफ वन होता है, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव नंबर होता है. हाँ या ना? Yes. तो वो तो बेचारा अपनी जिंदगी से दुखी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? छोटा बच्चा. तो तुम्हारी हालत वही बच्चे वाली है वेक्टर के सामने, कि तुम कह रहे हो यार यूनिट वेक्टर आ गया, अब इसका मीनिंग क्या है, इसका यूज क्या है? मैंने कहा यूज इसका जानते हो क्या हो सकता है? मैं कह सकता हूँ कि इसको डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देख के कह सकता हूँ ए वेक्टर इज नथिंग बट 10 ए कैप, ऐसे लिख सकता हूं ना? बोलो हाँ. Yes, sir. क्या मैं ये कह सकता हूँ इस डायग्राम को देख के बी वेक्टर इज टेक्निकली 5 बी कैप? बोलो हाँ. Yes, sir. बच्चों कुछ कुछ समझ में आया? तुम बोलते नहीं हो, और जो बोलता नहीं है ना उसको कुछ समझ में नहीं आता. रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ. देखो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो इधर की तरफ कोई वेक्टर है 2.5, इधर की तरफ वेक्टर है 7, इधर की तरफ वेक्टर है 1/3, इधर की तरफ वेक्टर है 1/2, इसको बोल दिया ए वेक्टर, इसको बोल दिया बी वेक्टर, इसको बोल दिया सी वेक्टर, इसको बोल दिया डी वेक्टर, लिख सकते हो ना? ए वेक्टर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर हो जाएगा -2.5 i कैप. बी वेक्टर कितना हो जाएगा? 7 j कैप. सी वेक्टर कितना हो जाएगा? -1/3 j कैप. और डी वेक्टर क्या हो जाएगा? 1/2 i कैप. किस किस को चमक गया? यस एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस. गाइस सबको हजम हुआ या नहीं हुआ? रिनव समझ में आ रहा है? यस सर. पक्का? यस सर. या टफ लग रहा था ये कोई? नो सर. नो सर. लिख लो तो बता देना. लिख लिया? लिख लिया सर. लिख लिया ना? लिख लिया. ऊपर जाऊं वापस? इसमें कमी है बताओ क्या? इससे तुम वेक्टर लिख सकते हो जो एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल है, कोई एंगल पे है तो उसे लिख सकते हो क्या? बोलो. yes. नहीं कैसे लिख दोगे? सर जे और वो दोनों यूज करके, जे एंड आई दोनों यूज करके लिख सकते हैं. एग्जैक्टली. ये कौन बोला? सर सॉम. तो सर हम उस जो एंगल पे होगा हम उसको एक रिजल्टेंट लेके आई और जे के टर्म्स का सम लिख सकते हैं. यही तो कर देंगे. ये एक्स था, ये वाई था, और अभी अभी मैंने करना सिखाया था. मैंने कहा था ये ए वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड था 10,
ये एंगल था मान लो 30, ये एंगल था मान लो 30। अब मैंने थोड़ी देर पहले ही करना सिखाया था कि गाइज यहां से परपेंडिकुलर टपकाएं और यहां से परपेंडिकुलर टपकाएं। बोलो हाँ, टपका दिया। यस सर। अब ये कहो, अब ये कहो कि ये वाला एक वेक्टर हो गया और ये एक वेक्टर हो गया और ये लेंथ हो गई 10 cos 30 और ये लेंथ हो गई 10 sin 30 sin 30 ये हो गई 10 sin 30 ये हो गया 5 root 3 और ये हो गया 5। Can I say this red वाला वेक्टर is 5 root 3 i cap? बोलो हाँ। Yes, sir. And this red वाला वेक्टर is 5 j cap. 5 j cap. And क्या can I say a vector is 5 root 3 i cap plus 5 j cap. Because it is sum of two mutually perpendicular vectors. How's that? समझ में आया कि नहीं आया? Yes sir. आगे. पक्का? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Guys, confident. इसको पूरे को लिखना है। ये एक तरीके से यहां से समझ में आएगा कि कर क्या रही हैं। ठीक है? अभी उधर डिस्कनेक्ट हो गया। Guys, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। रिजॉल्व क्वेश्चन है, रिजॉल्व वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन कि भाई मान लो ये कह दिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये मान लो वेक्टर दे दिया ऐसे, ये में दे दिया पी वेक्टर और ये कह दिया इसकी इसका मैग्नीट्यूड कितना है सपोज 20 और ये एंगल है सपोज 60। अब तुम पहले पहले खुद से बताओ इसके अंदर जब मैं करूंगा, एक काम करते हैं ना, इसको रुक जाओ, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। हाँ, अब इसके अंदर पहला स्टेप क्या होगा, मैंने सोचा कि भाई यहां से परपेंडिकुलर गिराओ, यहां से परपेंडिकुलर गिराओ, यहां से परपेंडिकुलर गिराओ, इसको हटा दूंगा, काट दूंगा, एक वेक्टर ये बनेगा और एक वेक्टर ये बनेगा। यहां पे आधे बच्चे ना ये एरो नहीं बनाएंगे, एरो नहीं बनाओगे तो खत्म हो जाओगे, समझ में आ रही है बात? ऐसे डंडा बना के छोड़ दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी, तुम्हें एरो बनाना पड़ेगा ऐसे, सही है कि नहीं है? Yes. अब ये बता दो एंगल के साथ वाला कौन सा होगा, कॉस कॉम्पोनेंट, और एंगल के सामने वाला कौन सा होगा, साइन कॉम्पोनेंट। समझ में आ रहा है? ये 20 साइन 60 होगा एंगल के सामने वाला, और एंगल के साथ वाला कितना होगा 20 cos 60 ट्रिग्नोमेट्री से। अब समझ में आया? अब तुम खुद सोचो, मेरे को ये कराने से पहले मुझे आज से दो घंटे पहले पता था कि इट इज बेटर कि मैं a cos थीटा a sin थीटा समझा दूं। बोलो हाँ। yes, sir. इसको याद आ रहा है, मैं जब ये बकवास कर रहा था बच्चे जज कर रहे थे क्यों बता रहे हैं सर, ये एल है, ये थीटा है, ये एल कॉस थीटा है, ये एल साइन थीटा है। मुझे उस टाइम पे पता था कि बाद में बच्चों को ना दिक्कत आने वाली है। बोलो हाँ। यस सर। ये कितना हो गया, 20 cos 60 हो गया 10 और 20 sin 60 हो गया 10 root 3। और मैं अगर लिखना चाहूं तो ये कह सकता हूं दिस p वेक्टर इज नथिंग मोर देन एडिशन ऑफ, दिस p वेक्टर इज नथिंग मोर देन एडिशन ऑफ x एक्सिस में 10 root 3 एंड y एक्सिस में नीचे की तरफ 10। बोलो हाँ। किस को चमका है? Yes, sir. And अगर मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं P vector is 10 root 3 I cap minus 10 J cap. बोलो हाँ। Yes, sir. 10 root 3 I cap minus 10 J cap. How's that? Got it? लिख लिया सबने? Yes, sir. नहीं लिखा तो भाई पूछ लो अभी यहीं पे। नाउ इज द टाइम टू आस्क कि सर क्या कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो? ठीक है, हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर, हो गया। यस सर। कूल। सपोज करो, और ये इतने आसान क्वेश्चन है, इनके ऊपर तो क्वेश्चन मिलते भी नहीं किताबों में, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेसिक चीज नहीं करा रहा मैं। तुम्हें लगता है कोई किताब के अंदर क्वेश्चन मिलेगा रिजोल्व इनटू कंपोनेंट्स? क्वेश्चन मिलेगा फोर्स निकालो, फोर्स तुम्हें आती नहीं तो कंपोनेंट में तोड़ना ही नहीं आता। बोलो हाँ।
समझ में आ रहा है? तो इतने सिंपल क्वेश्चन किताबों में नहीं मिलेंगे। ये दे दिया मान लो 15 और ये दे दिया सपोज 53, ये दे दिया सपोज 10 और ये दे दिया 37, ये दे दिया सपोज 10 या 12 रूट 2 और ये एंगल दे दिया 45, ये दे दिया सपोज 25 और ये दे दिया 60। ठीक है, करो रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट्स, रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट्स, दैट्स योर क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। एंड अभी तक तुम्हें कोई शीट नहीं मिल सकती होमवर्क की, क्योंकि दीज आर सो ट्रिवियल क्वेश्चंस, देयर इज नो बुक व्हिच विल हैव सच सिंपल क्वेश्चंस। ओके, हाँ गाइस, कुछ कुछ समझ में आ रहा है? करूं, कराऊं? अब तुम सोचो, अभी ट्राई कर, इतने अच्छे से हमें याद होनी चाहिए वैल्यूज, इधर की तरफ बनेगा एक और एक इधर की तरफ बनेगा। बोलो एरो बनाया नहीं बनाया? एरो के बिना तो कुछ काम काम का ही नहीं है। ये कितना हो गया? 15 cos 53, 15 sin 53, बोलो हाँ, 15 sin 53 हो गया 4/5, 15 cos 53 हो गया 3/5, हाँ या ना? 5 3 3 3 = 9, 5 3 4 3 = 12, और चाहूं तो इस वेक्टर को अगर ए वेक्टर बोलूं तो ए वेक्टर को मैं बोल सकता हूं दिस इज 12 जे कैप माइनस 9 आई कैप, बोलो हाँ। यस सर। थोड़ा फास्ट तो नहीं जा रहा हूं यार, देखो बोलोगे नहीं ना, उससे मेरी स्पीड बढ़ जाती है। नहीं सर, ठीक है, थोड़ा सा तेज तो लिखता हूं मैं, मुझे लगता है। ठीक है, तो लग रहा है मजे मजे ले रहे हैं सर, बिल्कुल कुछ है इसमें, ये भी पढ़ाने की चीज, आसान चीज नहीं है, बच्चों वाली है। 10 cos 37 होता है 4/5, 10 sin 37 होता है 3/5, 5 2 4 2 8 हो गया, 5 2 3 2 6 हो गया, दिस इज 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, that's your b vector, bolo ha, that's your b vector, x component of b is 8 and y component of b is 6, bolo ha, yes, todna todna sikhaya hai, jodna to sikhaya hi nahi re, kyun aisa kiya, matlab wo bhagwan hi bataye kyun kiya, kar diya bas maine, ek ye ho gaya, ek ye ho gaya, banana chahiye waise aise aise karke, itna kaun banate hain, ye ho gaya 12, ye ho gaya 12, अब ये मत कहना कैसे कर दिया, ये हो गया 12 रूट 2 cos 45, एंगल के साथ वाला cos कंपोनेंट होता है 12 रूट 2 sin 45, बोलो हाँ, ये हो गया 12 और ये हो गया 12, सो ये हो जाएगा माइनस 12 आई कैप माइनस 12 जे कैप, दैट्स योर सपोज सी, दैट्स योर सपोज सी वेक्टर, हाँ या ना? यस सर। Everybody got it? Yes, sir. बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? और सपोज करें ये वाला है, ये हो जाएगा 25 sin 60, ये हो जाएगा 25 cos 60, 25 sin 60 हो गया 25 root 3/2 एंड ये हो जाएगा 25/2, बोलो हाँ। और अगर इसको मैं बोल दूं डी वेक्टर, डी वेक्टर, सो डी वेक्टर हो जाएगा 25√3/2 आई कैप माइनस 25/2 जे कैप, बोलो हाँ, डन। किस किस को अच्छा लगा गाइस, हाँ या ना? Yes, yes, yes.
ठीक है, बढ़िया है ना? यस यस गाइस, ठीक है, मैंने क्या करा दिया, मैंने रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर करना सिखा दिया। अब कोई कहे इससे आप एडिशन कैसे करोगे, इससे आप एडिशन कैसे करोगे, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे दूं, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये कराऊंगा मैं अगली बार भी, लेकिन अभी 5 मिनट के अंदर एक एग्जांपल देके खत्म कर रहा हूं, इसका पूरा ब्योरा अगली बार होगा, स्टेप्स बताऊंगा। लेकिन मान लो ये क्वेश्चन है जो हमने पिछली बार किया था, ये क्वेश्चन किया था पिछली बार, 10 इधर था और 5 इधर था और एंगल 60 था, किया था ना ऐसे, इसका एडिशन निकाला था, याद आ रहा है? हाँ ना, मैं जवाब दो गाइस, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था ना थोड़ी देर पहले। यस सर, यस, इसका एडिशन करना था, इसके एडिशन करने के अंदर ऐसा कर दूं मैं कि एडिशन ना करके ये कह दूं ये एक एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, बोलो हाँ। मैंने कहा ऐसा वेक्टर जो किसी एंगल पे है उसे तोड़ दो, एडिशन नहीं कर रहा मैं तो तोड़ रहा हूं, इधर कितना हो गया 5 cos 60, इधर कितना हो गया 5 sin 60, इसको तोड़ दूं ना, इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं ओरिजिनल क्वेश्चन की जगह क्या क्वेश्चन बन गया, ओरिजिनल क्वेश्चन की जगह क्या क्वेश्चन बन गया, इधर की तरफ बन गया 10 और 5 cos 60 कितना हो गया 5/2, बोलो हाँ, cos 60 1/2 होता है। यस सर, y एक्सिस में कितना बन गया 5 रूट 3/2, बोलो 3/2। यस सर, अब yes, मैंने sir. अब मैंने कहा कि x एक्सिस में दोनों एक साथ हैं तो ऐड हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाते हैं, तो टोटल वेक्टर कितना बन गया, कितना बन गया 25/2, बोलो हाँ, और इधर कितना yes, रह गया, इतना किधर किधर कितना रह गया 5 root 3 by 2। तो अब मैंने तोड़ के x एक्सिस में अलग ऐड कर दिए, y में अलग ऐड कर दिए, अब ये बता दो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, रेक्टेंगल से सोच सकता हूं एक लाइन में रिजल्टेंट हो जाएगा इनका, इन दो का, और इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, डायरेक्टली पाइथागोरस मार दूं? यस सर, यस सर, कितना आ गया 25/2 का होल स्क्वायर प्लस 5√3/2 का होल स्क्वायर का अंडर द रूट, बोलो हाँ। यस सर, 5 कॉमन आ जाएगा इसमें से, 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से, यस सर, यस सर, 25 बन गया प्लस और 75। अबे रुको यार, 5 बाहर आया है, 5√3 है, 5 कॉमन ले लिया, 5 बाहर आ गया, 25 प्लस 9 नहीं बना, 9 बना ना, 3 बना। हाँ या ना, √3 का स्क्वायर है और 5 5 25 हो गया, तो ये कितना बन गया भाई 5/2 और 5 6 28 हो गया, इस 2 को अंदर ले जाओ, 5√7 तो नहीं बन रहा है, अरे यही तो बना था, अबे यही तो बना था, याद करो 5√7 ही तो बना था। यस सर, यस, अब समझ में आई बात या नहीं आई, तुम कहोगे ये किया क्या आपने, मैंने ये कहा कि इसमें तरीका क्या है ऐड करने का, कितने भी वेक्टर हो जाएं, अगर मान लो कोई कहे कि यार हमारे पास एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स, 3 फोर्स को ऐड करना है, तो मैंने कहा 3 को ऐड ही मत करो ना, उसकी जगह कहो इन 4 को ऐड करना है, इनको, इसको, इसको, इसको और इसको, और x एक्सिस में अलग ऐड कर दो, y एक्सिस में अलग ऐड कर दो, तो नेट फोर्स का x कंपोनेंट बन जाएगा, नेट फोर्स का y कंपोनेंट बन जाएगा, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ? यस सर, यस सर, आया ना? अब तो मैं कितनी ही हूं उनको ऐड कर सकता हूं या नहीं कर सकता? यस, बात या नहीं हुई? नहीं आया समझ में वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मैं अगली बार वैसे समझाऊंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मुझे मल्टीपल वेक्टर्स को एक साथ ऐड करना है, मल्टीपल वेक्टर्स को एक साथ ऐड करना है, एडिशन यूजिंग, टॉपिक का नाम है एडिशन यूजिंग कंपोनेंट, कंपोनेंट मेथड, ठीक है, इसके ऊपर अपना हाथ पैर मत मारना, मैं इसके स्टेप्स बताऊंगा, ठीक है, आज टाइम नहीं है, अब
तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे छोड़ देते हैं, लेकिन एडिशन यूजिंग कंपोनेंट मेथड के सारे स्टेप्स बताए जाएंगे, ठीक है, अगली क्लास में। एक बार मैं बता देता हूँ कि क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, अगली बार करेंगे ये।